हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिशंकर पांचाल फरीदाबाद से आज आपको बताऊंगा जो ये काली वाली कैंची है ये किस तरीके से काम करती है और काम करते करते इसकी धार जो ख़राब हो जाती है फिर ये अटक अटक के चलती है। अभी आप देखोगे मैं अपने हाथ से चला रहा हूँ तो ये कैंची रुक रुक के चल रही है। देखो एकदम सफाई से चलनी चाहिए, बिल्कुल मलाई की तरह कैंची चलनी चाहिए। अभी ये काम करेगी कैंची तो ये रुक रुक के काम कर रही है, थोड़ा सा टाइट टाइट चल रही है। इसके ऊपर कपड़े का जो रेशा जम जाता है, बुरादा इसके ऊपर जो जमता है वो इसको चलने नहीं देता। तो ये भी एक धार का फर्क होता है, जो रेशा चिपका लेती है धार कैंची के ऊपर, ये धार का ही फर्क होता है जिससे इसके ऊपर रेशा जम जाता है और फिर ये साफ नहीं चलती कैंची। तो आज मैं आपको इसी चीज़ के लिए बताने के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने ये पहले लगा के दी थी कैंची ग्राइंडर पे, जो मैंने बताई थी खड़ी धार लगाते हैं काली कैंची में, मैंने पहले ही बता रखी है आपको किस तरीके से धार लगानी। तो मैंने ग्राइंडर व्हील पे बताया हुआ है कि इसको इस तरीके से खड़ी धार लगाएं, सही चलती है कैंची। बाई चांस अगर किसी कैंची में कोई शिकायत आती है इस तरीके की कि रुक रुक के चल रही है कैंची, इसके ऊपर रेशा जम गया है कैंची के ऊपर, तो इसको ग्राइंडर पे ना लगा के अपनी शान के ऊपर कैंची लगाएं। तो दोस्तों मैं शान के ऊपर कैंची लगाऊंगा तो हमारी जो शान है ना वो भी बिल्कुल फाइन चलनी चाहिए, एकदम जीरो जीरो, समझे। इसके ऊपर ऐसे उछाल नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर थोड़ा बहुत चलता है कोई शान तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होनी चाहिए, समझे। तो उसके लिए तो दोस्तों जो शान के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ आपको, शान पे लगानी है आपको ये कैंची, इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसे उछाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ईंट आपको इस तरीके की ईंट रखनी है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, देखो इसके अंदर कालापन है, जहाँ पे कोई दाना होगा तो वो ईंट दिक्कत देगी, बाकी सारी ईंट इस तरीके की होनी चाहिए। मैं बीच में आपको ईंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सारी ईंटें ऐसी होनी चाहिए। ईंट लगा दी मैंने शान के ऊपर, पूरी ईंट लगनी चाहिए, आप देखोगे पूरी लाल हो गई है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊं, सबसे पहले जो काम करना है कैंची को थोड़ा जैसे ढीला करना है दोस्तों, प्लास से आप इसके पेच को नट को ढीला कर लो। आप ये कैंची ऐसे करनी चाहिए, मतलब ऐसे प्ले बन गई ना, अब ये फ्री हो गया ब्लेड। दोस्तों किसी भी कैंची को आप बगैर खोले लगाओ तो कोई भी ब्लेड यहाँ से टाइट नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ से कैंची टाइट होगी आप बगैर खोले कैंची लगाओगे तो वो सही नहीं, धार ही सही नहीं लगेगी आपसे, वो इसके ऊपर धार नहीं देगी। तो कैंची मैंने यहाँ से लूज कर ली है, ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ काम नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, डंडी मैंने ले ली, ईंट मैंने आपके सामने लगाई है, तो आप देखोगे शान के ऊपर जो धार लगाएंगे हम एकदम मलाई वाली कैंची धार देगी। इस तरीके से आप इसे एक बार चला दो ऐसे, मैंने देखा तो आप मैंने ऐसे लगाई, फिर इसको ऐसे लगा दे, इसी तरीके से इस वाले ब्लेड को लगाओ। आप देखोगे इसका डोरा आ गया और ये हो गई साफ। तो अभी कैंची बहुत साफ चल रही है, अब जो काम करना है आपको, तो दोस्तों अब आपको जो काम करना है इस तरीके से खड़ी रखनी है कैंची, इस तरीके की पूरी धार पे यहाँ से यहाँ तक डोरा आएगा, मतलब रेशा बोलते हैं बहुत सी जगह, डोरा बोलते हैं हम, तो कुछ भी बोलो, मतलब एक किनारी जो इसकी जो ये डोरा आ जाना चाहिए इसके ऊपर, समझे, धार का। और इसी तरीके से अब चलानी नहीं है ये, इसको बंद नहीं करना है अब। और कैंची दोस्तों ज़्यादा ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे मतलब जितनी खड़ी रखोगे उतना सही है।
ये देखो दोस्तों, इस तरीके से देखोगे आप, और एक ही लाइन आनी चाहिए इस पे। आपने अगर अलग अलग ऐसे ऐसे लाइन बनाई तो काम नहीं होगा सही आपका, समझे। तो ब्लेड को बिल्कुल मैंने जैसे धार लगाया है तो साफ कर लेता हूँ मैंने इस तरीके। ये तरीका देखो आप, बिल्कुल साफ कर ली मैंने कैंची बिल्कुल, और वो डोरा ऐसे के ऐसी ही है। अब दोस्तों खास बात आपको ध्यान रखनी है, कैंची को आप ऐसे बंद करो, पर ये कैंची साफ होनी चाहिए, चलनी बहुत साफ चाहिए कैंची। अब आप इस कैंची के पेच को नट को कस दो, कस दिया मैंने। अभी देखो आप, टाइट ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा टाइट हो गई है। कैंची को टच करके उठाओ ऐसे, ये ऐसे उठनी चाहिए दोस्तों। आप ये देखो कैंची में ना जैसे पहले चल रही थी, और अब मैं जो चला रहा हूँ कैंची ऐसे चल रही है जैसे एकदम मलाई वाली धार। तो मेरे हाथ में कैंची है, महसूस मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, धार ऐसे आ गई है। तो शान है, ये शान के ऊपर चिकनी धार आई है, और मैंने वो डोरा ऐसे ऊपर उठा के चलाया है, ऐसे ऊपर उठा के। तो कैंची एकदम ऐसे चल रही है, मलाई मार के कैंची चल रही है भाई साहब, एकदम इतनी प्यारी सेटिंग हो गई कैंची की। अब इसमें ज्यादा कुछ करना होता ही नहीं है पहली बात तो। तो दोस्तों इसमें खाली इतना ही काम था। कैंची अगर कस्टमर आपको ये बोलता है कि साफ नहीं चल रही कैंची, तो आप उसमें ये मत बोलो कि नहीं आपकी कैंची खराब है, जरूर कुछ ना कुछ कैंची के अंदर या हमारी धार के अंदर दिक्कत रह गई है, उस पर ध्यान दो। अब कितनी साफ चल रही है कैंची मैं बताऊं आपको, देखो चेक करके पता भी नहीं लग रहा है, कपड़ा काट दिया कैंची ने, बस बंद कराया मैंने कैंची को, ये देखो ऐसे काम हो रहा है, पता भी नहीं लग रहा सफाई से पूरा। अगर आपको बाई चांस ऐसा लगे कि नोक कम काट रही है, देखो मैं भी चेक करा लेता हूँ यहाँ, पहली बात तो नोक हमारी कैंची की लगी हुई दिक्कत ही नहीं दे सकती। देखो पूरा काम, कितनी मैंने इसकी परत बनाई है, ये देखो आप, डबल कर लेता हूँ मैं, और भी मैंने डबल अंदर से तो पूरी गांठ बना दी है मैंने इसकी, ये देखो। जैसी नई कैंची पे धार होती है दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस पे धार लगाई है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी, और कॉमेंट में बताएं मुझे कि मैंने धार कैसी लगाई, आप लोगों को कैसी लगी। और मैं उन भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो काम करते हैं पहले से, जो मेरे से बड़े कारीगर हैं, वो मेरी वीडियो पे ऐतराज़ ना उठाएं, परेशान ना हुए। मैं तो उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो नए काम करने वाले हैं, तो मैं उन भाइयों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी बहुत उनको हेल्प मिल जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय।